सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। दोस्तों, मेडग्राम चैनल पे आपका स्वागत है। सो आज मेरे साथ हैं डॉक्टर देवाशीष, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और नी रिप्लेसमेंट के एक्सपर्ट भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि नी रिप्लेसमेंट के बारे में क्या क्या सच्चाई है। तो पहले इनका इंट्रोडक्शन करते हैं, ये अपने बारे में बताएंगे कि एग्जैक्टली इन्होंने कहाँ कहाँ से अपनी एजुकेशन ली, कहाँ कहाँ से क्वालिफिकेशन लिया और कितनी नी रिप्लेसमेंट के बारे में इनकी एक्सपर्टीज है। नमस्कार दोस्तों, एंड थैंक यू राजीव फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो मैं सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंदा है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। मेरा मेन काम जॉइंट को प्रिजर्व करना एज वेल एज जॉइंट रिप्लेसमेंट, जैसे कि मेडिकल प्रिजर्वेशन राजीव करता है। सो आज का जैसे ये टॉपिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज पे, मेरी ट्रेनिंग जो है वो जर्मनी और मुंबई से है और कम्प्लीटली रोबोटिक एंड नेविगेशन सर्जरीज के साथ मैं ट्रेंड हूँ बहुत सालों से। बट सर्जरीज का क्या एंड पॉइंट होता है मैं बताऊँगी। सर्जरीज के बाद पेशेंट अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ जा सकता है। जैसे मेडिकली राजीव हैंडल करता है, उसके बाद हम लोग सर्जिकली उनको और इम्प्रूव लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि एग्जैक्टली बहुत मेरे पेशेंट्स आते हैं जहां नी बहुत डैमेज हो जाते हैं और मैं उनको समझाता हूं कि देखो आप कोई ऑप्शन नहीं है, कि मेडिकली वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कब समझते हैं कि अब नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए। सो लोगों को लगता है कि सर क्या अभी नी रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। सो वॉट आर द आइडियल इंडिकेशंस कि जहाँ नहीं, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस और आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना ही है। सो सिंपल भाषा में हमारे मरीजों को बताइए कि कब नी रिप्लेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि मैं किताबें बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है, और किताबों की भाषा में बोलूँगा भी नहीं।